हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है ग्रुप थ्योरी का एक अन्य क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाला हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ग्रुप थ्योरी का वो क्वेश्चन आ चुका है जिसका हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। गाइस, यहाँ पर ये बता रखा है कि एक ग्रुप है जी, उसके अंदर का कोई एक एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर का या फिर सारे एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर एवरी एलिमेंट है, ठीक है, जी का एलिमेंट होगा, उसको हमें बताने कि जो ए स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर हम करते हैं, अगर जी का कोई एलिमेंट हम लेते हैं और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाता है। और तो हमें क्या बताना है, देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ये चीज आपका दिया हुआ है, ये चीज आपका दिया हुआ है और हमें बताना है कि जी जो है आपका क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। गाइस, आप लोगों को अबेलियन ग्रुप पता होगा क्या होता है, जिसमें हम ग्रुप के चार प्रॉपर्टी के साथ साथ एक पांचवा प्रॉपर्टी हम और दिखाते हैं जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहां पर हमें दिखाना होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका सॉल्यूशन भी कर लिया है, चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब बोल रखा है कि जो है जी जो ए जो है जी का एक एलिमेंट है, तो कब तो जो है हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ई होगा, ई हमारा क्या है, आइडेंटिटी होगा। तो हमें बताना है कि ये जो है एक अबेलियन ग्रुप है। चलिए अब देखते हैं। देखिए, लेट करेंगे हम सबसे पहले जो है हम जी का कोई भी दो एलिमेंट हम लेट कर लेंगे कि जो है ए और बी। देखिए यहाँ पर, लेट ए एंड बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी, देन ए बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ जी। अब देखिए, ग्रुप बता रखा है, जी जो है आपका क्या है, ग्रुप है। तो अगर कोई भी ग्रुप के दो एलिमेंट्स हम लेते हैं और उसमें आपस में ऑपरेट करवाते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको याद होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, ऑपरेट करवाते हैं जो दो नया जो नया एलिमेंट हमें मिलता है वो भी हमारा जी में बिलोंग करता है। यहाँ पर अगर ये ए और बी लेते हैं और इन दोनों का हम ऑपरेट करवाते हैं तो हमारा जो नया एलिमेंट मिलेगा ए और बी का मल्टीप्लाई करके, वो भी हमारा किस में होना चाहिए, इस जी में होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, तभी हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं कि ग्रुप प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये जरूर होगा, ए बी जो है हमारा जी का एक एलिमेंट जरूर होगा। तो अगर ए बी जी का एलिमेंट है और बता रखा है कि अगर जी का कोई भी एलिमेंट हो तो उसके लिए हमारा जो है उसका स्क्वायर होगा, वो हमारा किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए, अब देयर फोर ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ये चीज हमने कहाँ से किया है, ये चीज हमने जो है यहाँ से किया है, ये जो हमारा इक्वेशन हमारा यहाँ पर दिया गया है, इस चीज से हमने जो है यहाँ पर किया है। क्यों? क्योंकि जी का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका स्क्वायर करने पर हमारा क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसीलिए ए बी भी हमारा क्या है, जी का एलिमेंट हमने देखा है, इसीलिए हमने स्क्वायर किया तो हमारा क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब दिस इंप्लाई, देखिए अब हम स्क्वायर है तो हम इसको दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ए बी ए बी, तो इससे भी हमारा जो है ये। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में जो है ऑपरेटिंग ए इनवर्स लेफ्ट इन बोथ साइड, हम जो है ए इनवर्स को लेफ्ट में दोनों साइड में जो है ऑपरेट करेंगे। देखिए ए बी है और ए बी का होल इनवर्स और जो है आइडेंटिटी है, ए बी का होल इनवर्स हमने क्या कर दिया है, दोनों साइड में लेफ्ट में जो है ऑपरेट करवा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या हो जाता है, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए, हमने जो है ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तो अगर ग्रुप है तो उसमें जो है इनवर्स वाला एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमें पता है कि अगर इन दोनों का हम ऑपरेट करवाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। हमने देखा था इस चीज को कि हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो आइडेंटिटी किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाता है। आई होप कि आपको ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर है, अगर क्लियर है तो इस पॉइंट को आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आइडेंटिटी को किसी के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो हमारा वही रहता है। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया है, वही। अब देखिए ए बी का होल इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं, इसका एक प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था और यहाँ पर मैंने लिख दिया, सिंस ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब हमें जो है यहाँ से पता है कि अगर जी का कोई भी एलिमेंट ए है तो उसका स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो हमने यही, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, देयर फॉर देखिए ए इंटू ए हम ई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस हमने किया था ना, ए इनवर्स से दो ऑपरेट करवा देंगे तो हमारा जो है कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए मिल जाएगा। सिमिलरली
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इस पॉइंट को देखें, यहाँ जैसे हमने ऑपरेट किया था दोनों साइड में, तो यहाँ पर सिमिलरली आप ए इनवर्स ऑपरेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली बी के लिए बी स्क्वायर, हम इसका भी ई हो जाएगा, तो यहाँ पर बी डॉट बी इज इक्वल टू ई होगा, तो बी इनवर्स जो है हमारा क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, बी पुट कर सकते हैं, और ए इनवर्स के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। सो हमने वही चीज यहां पर पुट कर दिया है, ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स के प्लेस पर हमने ए पुट कर दिया, बी पुट कर दिया है, और ए इनवर्स के प्लेस पर हमने ए पुट कर दिया है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हमने वही तो किया था, लेट किया था कि ए बी आपका जी का एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो हम बता सकते हैं दिस इज एन अबेलियन ग्रुप, तो ये जो जी है वो आपका क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। गाइज आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, और अगर कोई डाउट्स है आपका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल सके। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उनको भी मदद मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।